Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. तो इस वक्त मैं यहाँ पर लंदन के ओवल मैदान में हूँ। फिलहाल जो है पहली बार जो है धूप यहाँ से हटी है, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी। ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था जहाँ पर सिर्फ 5 खिलाड़ी आए थे, लेकिन जो सबसे अहम खबर यहाँ से अभी आ रही है ओवल से वो ये कि विराट कोहली, जिन पर हर किसी की नज़रें पड़ी हुई है, हर कोई ये देखना चाह रहा है कि विराट कोहली फॉर्म में आएंगे, वनडे मैच में खेलेंगे, क्योंकि उनका फॉर्मेट है। इस बात की हमें अभी खबरें मिल रही हैं कि शायद विराट कोहली को ग्रोइन इंजरी है और इसके चलते उन्होंने आराम करने का फैसला किया, और ये मुमकिन है कि वो पहले वनडे में आराम करें, पहले वनडे में ना खेलें। और हालांकि आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था और इसलिए विराट कोहली का यहाँ आना तय नहीं था और वो आए भी नहीं, क्योंकि वैसे भी मैच से एक दिन ठीक पहले खिलाड़ी जो अहम खिलाड़ी होते हैं वो आराम करते हैं। मोहम्मद शमी जो T20 टीम का हिस्सा नहीं थे, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, इन सारों ने आज यहाँ पर अभ्यास किया। इसके अलावा ईशान किशन थे और इसके अलावा ओपनर शिखर धवन ने काफ़ी लंबा वक्त बिताया, क्योंकि वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है, बहुत दिन बाद आ रहे हैं। लेकिन नज़रें थी, हमें उम्मीद थी कि शायद विराट कोहली आए, वो अभ्यास करें, जिस तरह के सवाल थे। लेकिन ये जो खबर थोड़ी सी है वो विराट कोहली के चाहने वालों को, इंडियन क्रिकेट के चाहने वालों को थोड़ा सा मायूस कर सकती है कि इतना अनुभवी खिलाड़ी, क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट चांस था फॉर्म में आने का। T20 मैचेस में उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि शायद यहाँ पर वो 50 ओवर के गेम में, चूँकि 50 ओवर के गेम में ये उनका बेस्ट फॉर्मेट है। विराट कोहली के लिए अगर देखा जाए, अगर कोई फॉर्मेट है जहाँ पर वो सेटल होकर रन बना सकते थे, अपने फॉर्म में वापसी कर सकते, तो एक तरह से देखा जाए टीम इंडिया के लिए शायद उतना बड़ा झटका ना हो, क्योंकि टीम इंडिया के पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं उपलब्ध हों। और शायद एक तरह से देखा जाए जो एक कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो शायद वो वाली बात हो गई थी। अगर टीम मैनेजमेंट सोच भी रही होगी कि विराट को आराम देना है या कोई कुछ और कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, तो इन ए वे चलिए इस बहाने उनको आराम भी मिल गया, ये टीम को कुछ नए खिलाड़ियों को भी आजमा सकते हैं। और लेकिन विराट के लिए निजी तौर पे शायद ये मायूस करने वाली बात है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल वनडे सीरीज़ है, वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ खेलते, इस अटैक के खिलाफ अगर रन बनाते तो बात शायद कुछ और होती। लेकिन कुछ अभी भी बहुत कुछ खोया नहीं है, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये जो चोट है बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि लंदन में ही दोनों पहले दो वनडे जो हैं वो लंदन में ही खेले जाने वाले हैं। ये ओवल का मैदान है, साउथ लंदन में है, इसके अलावा जो दूसरा मैच है वो लॉर्ड्स में होने वाला है, और शायद हो सकता है, मुमकिन है विराट कोहली उस मैच में खेले। लेकिन विराट कोहली का ना होना पहले वनडे के लिए अभी भी अनलाइकली है, हो सकता है कौन जाने कि कल वो खेले। लेकिन हैरानी की बात है, टीम इंडिया ने जो नॉर्मली 24 घंटे पहले आप टीम अनाउंस कर देते हैं, टीम इंडिया ने अपना टीम अनाउंस नहीं किया है। और हमने कोशिश की कि भाई आधिकारिक तौर पर BCCI के लोगों से, जो यहाँ पर लोग हैं BCCI से, पुष्टि करें, कोई इस पर अभी कुछ कहने को तैयार नहीं था। टीम का मतलब एक तरह से देखा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अमूमन हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, चूंकि अभ्यास प्रैक्टिस सेशन है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई नहीं आएगा। और ये मैं आप लोगों के लिए सवाल आधिकारिक तौर पे कम से कम पुष्टि करने की कोशिश करता, वो नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात का मुझे मलाल है। लेकिन जैसे ही मुझे इस पर कुछ और खबर आएंगी मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को अपडेट करूँगा। और फिलहाल लंदन के ओवल मैदान से इतना ही मायूस करने वाली थोड़ी सी खबर कि शायद विराट कोहली पहला वनडे इंटरनेशनल इंग्लैंड के खिलाफ ना खेले। लंदन के ओवल मैदान से विमल कुमार की रिपोर्ट। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।